Hey guys, welcome back to my channel Dr. Boy. I am Aditya and I am pursuing my studies from Smaller State Medical University, currently in 5th year. So, बहुत सारे students, Indian students हैं जो normally जो foreigners हैं India से जो आए हुए हैं और भी बहुत सारे foreigners हैं, सबको money withdraw करने में problem हो रहा है. So, international transaction से अब आपको पता है कि बहुत ही शिफ्ट कोड जो है बैन हो चुकी है, वीज़ा इन मास्टर आउट ऑफ द कंट्री जो है वर्क करना बंद हो चुकी है. सो मेरा है यहाँ पे स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड एंड फॉरेन फॉरेक्स कार्ड जो कि अब ये भी वेस्ट हो चुकी है. एंड फिलहाल रशियन बैंक टिंकॉफ एंड जो और एक जो बड़ा बैंक है स्वेयर बैंक, उनका है वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड जो कि ये भी काम कर रही है रशिया पे. बट इसका जितना जो एक्सपायरी डेट है टिल दैट डेट कार्ड काम करेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी. क्रीमिया पे जो जब इन्वेशन हुआ था रशिया का, तो उस टाइम भी सेम इसी तरह सैंक्शंस लगे हुए थे रशिया के ऊपर एंड सेम इसी तरह क्राइसिस आया था. सो तब से रशिया जो है उनका खुद का जो है अपना पेमेंट सिस्टम में काम कर रहे थे. सो दे हैव इंट्रोड्यूस देयर ओन पेमेंट सिस्टम दैट इज मीर कार्ड जो कि करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ. मीर का मतलब है दुनिया, रशियन लैंग्वेज में मीन्स वर्ल्ड, जो कि इनका खुद का अपना करंट पेमेंट सिस्टम है. एंड ये कार्ड है स्वेयर बैंक का. सो करेंटली मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा था कि स्वेयर बैंक जो है कोऑप कर रहा है यूनियन पे पेमेंट सिस्टम. यूनियन पेमेंट सिस्टम आपने सुना होगा, जैसा वीज़ा एंड मास्टर है उसी तरह यूनियन पे इज पेमेंट सिस्टम ऑफ चाइना का है. चाइनीज़ मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम है जो कि इंडिया पे भी 2007 से जारी है. एंड इट इज़ अ सेकेंड स्टेक होल्डर, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर ऑफ पेमेंट सिस्टम वीज़ा एंड मास्टर के बाद में. वीज़ा के बाद आता है अपना यूनियन पे. सो इंडिया पे भी ऑल मेजर बैंक्स जो कि SBI, HDFC, एक्सिस, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यूनियन पे एक्सेप्ट करती है. सो कुछ स्टूडेंट्स जो है रशिया से इंडिया गए हुए हैं, सो आप अभी अपना यूनियन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड आई थिंक विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू विल रिसीव योर यूनियन कार्ड. एंड जहाँ तक बात है रशिया पे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं एंड सम ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड नॉट टू गो बैक इंडिया इन देयर समर हॉलीडेज एंड उन्हें भी अभी ट्रांजेक्शन करनी है. तो ट्रांजेक्शन कैसे करें, कैश कैसे ले, तो रशिया पे ऑन एंड ओनली बैंक है गैस प्रॉम बैंक. फिर से बोलता हूँ मैं, गैस प्रॉम बैंक, जो कि उस बैंक पे आपका वेस्टर्न यूनियन सैंक्शंस नहीं लगा है. सो वो बैंक जो है स्टिल इट फॉलोज यूनियन पेमेंट सिस्टम. एंड आप जो है उस बैंक से अपना कार्ड बना सकते हो. इफ़ इमरजेंसी आपको कोई बल्क कैश विड्रॉ करना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन गो फॉर गैस्प्रॉम बैंक. यू कैन अप्लाई देयर यूनियन कार्ड. एंड इंडिया पे अगर आपके पेरेंट्स के पास यूनियन कार्ड है, देन वहाँ से आप दोनों को इंटरलिंक कर सकते हो, आप कैश विड्रॉ कर सकते हो इंडियन करेंसी पे. गैस्प्रॉम बैंक का जहाँ तक बात है कि गैस्प्रॉम बैंक कार्ड बनाने के लिए कितना प्राइस लगता है, इट्स समथिंग अराउंड 5000 रूबल. इट्स बिट कॉस्टली एंड ट्रांजैक्शन चार्ज भी आई थिंक इट्स थोड़ा से कॉस्टली है. बट हाँ, अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. रशिया पे ईच एंड एवरी वन दे आर स्विचिंग टू यूनियन पेमेंट सिस्टम मोड. सो गैस्प्रॉम बैंक जो कि मैंने आपको बताया था, यू शुड ऑप्ट फॉर दैट बैंक. ओनली आपको जब एकदम ही नेसेसिटी है, आपको अभी पैसा है ही नहीं आपके पास, रिजर्व कुछ भी नहीं है, आपको एनी हाउ पैसा अभी आपको विड्रॉ करना ही है, देन गो फॉर गैस्प्रॉम बैंक. और यू कैन वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months एंड आई थिंक उसके अंदर रशियन गवर्नमेंट को सोल्यूशन निकाल लेगी रिगार्डिंग यूनियन पे सिस्टम. मर्ज कर देगी उसको आप रशिया के मेजर बैंक लाइक स्वेयर बैंक एंड VTB से. सो आप रश मत करिए. इन केस बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है एंड आपको पैसा विड्रॉ करना है बल्क में, देन गो फॉर गैस्प्रॉम बैंक. देन आप अप्लाई कर सकते हैं गैस्प्रॉम बैंक पे. एंड एज ऑफ नाउ
आस्क योर पेरेंट्स टू अप्लाई बिहाफ ऑफ यू, या उनको ही खुद अप्लाई करने बोलिए यूनियन पेमेंट, यूनियन कार्ड के लिए HDFC, एक्सिस एंड आपका जो भी आपका जो स्टेट में, आई होप कि ये सारे बैंक्स अवेलेबल है नेक्स्ट टाइम आप जब इंडिया से आओगे. सो डोंट बी इन बैंक ट्रांसफर सिस्टम. मोस्टली मैं भी खुद डॉलर हाथ पे ही कैरी करता हूँ, बट कुछ लोग जो है प्रिफर करते हैं बैंक ट्रांसफर. एंड आई होप कि इस टाइम पे बैंक ट्रांसफर करना, डॉलर्स को जो है ट्रांसफर करना, आई डोंट थिंक इट माइट बी अ वेरी गुड आइडिया. टैक्स का भी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा टैक्स कटेगा. सो इट्स रिकमेंडेबल टू कैरी हार्ड कैश विथ यू, डॉलर, कॉलेज की फीस के लिए भी एंड फॉर योर मंथली एक्सपेंडिचर्स. सो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा. इंफॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. मोस्टली उन्हें पता नहीं होगा, मोस्टली सबको नहीं, मुझे भी नहीं पता था. मैंने भी कुछ सर्च किया तब पता चला कि ऐसा यूनियन पे है. एंड टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.